सर्दियों की आमद आमद, मार्केट में एक से बढ़कर एक रजाई और कंबल मौजूद हैं। इसके बावजूद शहरी आज भी हाथ से बनी देसी रुई की रजाइयां बेहद पसंद करते हैं। मौसम सरमा का आगाज होते ही शहरी रजाइयों, गद्दों और तकियों में रुई भरवाने के लिए पंजिया मशीनों का रुख कर लेते हैं। मौसम सरमा का आगाज होने को है, शहरी रजाइयों, गद्दों और तकियों में रुई भरवाने के लिए पिंजा मशीनों का रुख करने लगे, क्योंकि आज भी शहरी हाथ की बनी देसी रुई वाली रजाइयों को बेहद पसंद करते हैं। सर्दियों का आगाज हो गया, अपनी रजाइयां वगैरह बिस्तर वगैरह लेकर आया हूँ। जदीद दौर होने के बावजूद जो है वो कंबल वगैरह और जो बदारी रजाइयां होती हैं उनमें ठंड नहीं रुकती, क्योंकि यहाँ हमारे बावलनगर जनूबी पंजाब में बड़ी ठंड होती है। शहरियों का कहना था कि वैसे तो मार्केट में एक से बढ़कर एक रजाई और कंबल मौजूद है, लेकिन देसी रुई के हाथ से बनी रजाई की बात ही कुछ और है और ये ज्यादा आरामदेह और पायदार होती है। ये सीजन शुरू हो गया है माशाल्लाह, आपके सामने काम चल रहा है। ये इस तरह के भी जो पिंजा हुआ माल है, जो अच्छी यहाँ की देसी रुई है, वो बड़ी मशहूर है। पूरे पाकिस्तान में जाता है माल, पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर है देसी रुई, तो इसलिए लोग हमारे पास आते हैं। वो ये बहुत पुराना हमारा 30 साल पुराना काम है माशाल्लाह, और ये शहर बावलनगर सारा तकरीबन इधर 80% लोग हमारे पास आते हैं। दुकानदार कहते हैं कि आज के जदीद दौर में भी शहरी हाथ से बनी रजाइयां ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में सर्दी की शिद्दत ज्यादा होती है। ऐसे में हाथ से बनी देसी रुई वाली रजाइयां ही सर्दी से महफूज रखती हैं। 30 साल से इसके कारोबार से वाबस्ता है, यह कारोबार कम जरूर है लेकिन अभी भी चल रहा है। सर्दी से बचाव के लिए देसी रुई से तैयार रजाइयों की अफादियत आज भी कायम और बरकरार है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रूही न्यूज़, बहावलपुर।